दिल दिया गल्ला। डैडी जी, मान भाई सब आ तो गए हैं, मगर सोएंगे कहाँ? कमरे तीन हैं और उसमें से भी एक कमरा तो बंद है, उसका उसके तो आपने चाबी तो चिंता ना करते मृत, कल चाबी वाले को बुला के कमरे और तिजोरी की चाबी बनवा लेंगे। आज क्या करेंगे संजोत भाई, मकान मालिक है ये, बाहर थोड़ी ना सोएंगे। एक काम करते हैं, यहां सुला दो इनको। मालिक है, अमरीका से आए हैं, इनके सामने हम मंजे पे थोड़ी ना सो सकते हैं, है कि नहीं? काम कर। डैडी जी, आओ जी, कह दे इनसे यही सो जाए। पूरी तौर से हवेली के पुराने मालिक ने नए मालिक के लिए जगह खाली कर दी है। पर बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हो? बाबूजी, ये सब करने की क्या जरूरत है? जमीन पे गद्दा बिछा रहे हो? बाबूजी रहने दो ना, मैं यहाँ सोएंगे तेरे बाबूजी पुत्र, यहाँ पे सोएंगे तेरे बाबूजी। क्यों कर रहे हो ये सब आप? बस इतना ही जानती हो अपने पति को? क्या लगा तुम्हें कि मैं डैडी जी के बिस्तर पे सो जाऊंगा? वो भी तब जब वो बाहर जमीन पे सोए हुए नहीं। आज था बड़ा हुआ हूं, लेकिन उनसे बड़ा नहीं। भाई मेरी बीजी, आज ना छोले बनाओ, आज मैं अपने घर में उसी जगह बैठ के खाऊंगा जहां न्यूयॉर्क जाने से पहले खाता था। भाई अपने घर में अपनी बीजी के हाथ के बने हुए गरम गरम छोले खाने से बड़ा कोई सुख है इस दुनिया में? नहीं है। मैंने कुछ सोचा है, पिंड के मान अस्पताल का काम मैं पूरा करवाऊंगा। That's a very good thought, man. पर हम तो 5 दिन में वापस जा रहे हैं, तो ये काम को सुपरवाइज कौन करेगा? और अब तो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल से कॉल्स भी आने लगे हैं मुझे। ओए, सब सोच लिया है मैंने, हमारी गैर मौजूदगी में राणा संभालेगा सब कुछ। मुझे लगता है कि बीजी मेरी वजह से ना सबसे ज्यादा नुकसान राणा को हुआ है, तो इसे मेरा गिल्ट समझ लो या मेरा प्यार, बट आई थिंक ही नीड्स अ लिटिल पुश, और वो उसे मैं दूंगा। वड्डा भरा हूं ना मैं उसका मान भाई साहब, तो मेरे निक्के राणा के लिए मेरा कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता? तो मैंने सोचा है कि ये हॉस्पिटल की जितनी भी फंडिंग होगी ना वो मैं करूंगा और उसका सुपरविजन करेगा राणा। लोकल बंदा है, सबको जानता है, सबके काम को जानता है। आई थिंक इज परफेक्ट फॉर द जॉब। डैडी जी के हॉस्पिटल बनाने के सपने को पूरा करने के लिए उनके बेटे रणदीप बराज से बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता है? नहीं। मोहसत के ओए पीछे, खुशियों का मौसम इस घर में कब बदलना पता ही नहीं चलता। हम मुंह बंद नहीं रख सकती, दांतों में कुछ प्रॉब्लम है तेरे? राणा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए खुश होने की, मैं अपने लिए खुद खुश हो सकता हूँ, और काले कुत्ते से खुशी बांट लूंगा अपनी तेरे साथ नहीं, तू इसमें मत पड़ बस। पर अब तुम्हारे भाई साहब भी घर आ गए, अब क्यों मुझसे नाराज हो? अच्छा चलो, अब माफी दे दो मुझे, चलो चलो अब भी माफ करो। हट, माफी क्या जानते?
अजीब होते ना आदमी पीछे, जहाँ कंपटीशन नहीं भी होता वहाँ कंपटीशन शुरू कर देते। देखिए जरा कैसे खड़े हैं दोनों, देख रहे हैं कि किसके पैर में उबाल पहले आएगा। आदमी और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता, बात बात पे लोग रुस जाते हैं, बात बात पे मुंह सुझा के बैठ जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नाजुक चीज पता है क्या है? इनका आम। एक बार को कांच गिर के टूटने से बच सकता है, पर इनका आम इनकी मर्जी के खिलाफ छींक भी दो तो भी टूट जाएगा। तो मैंने भी इतने सालों में बहुत कुछ सीख लिया है, मान सम्मान पूरा और आम को कर दो चूरा। वो कैसे बीजी? देख अब मैं क्या करती हूँ। बंद क्यों किया संजोत को रे? मेरी चाबी जी। और पूरी तरीके से उबाला तो आने देती, आ रहा था उबाला अभी। दूध का कोई टाइम नहीं है, ये परे करो उस दूध को वरना चा बनेगी। बीजी मैंने सब्जी बनानी है। मेरे तो पानी भी भूल गया था अभी। वो तो कड़ी भी तो कड़ी नहीं बाकी है अभी। नहीं कड़ा किसके लिए अभी? मेरे छोले तो बने नहीं। और मेरी कड़ी का क्या? बस ना छोले बनेंगे ना कड़ी बनेगी। ना फिर क्या बनेगा? अब सब्जी बनेगी मूली की। मूली की सब्जी? मूली की सब्जी हाँ, मेरे राने को पसंद है। मूली की सब्जी? मुझे कब से पसंद है मूली की सब्जी। निम्रत तो चढ़ा। हाँ जी बहुत पसंद है। मैं आपके हाथ की मूली की सब्जी आज तो जरूर खाऊंगा जी। मेरी पसंद की मूली की सब्जी। बीजी मेरे छोले तो बने नहीं। भाई साहब आज अपनी सेटिंग ज्यादा चल रही है, आप आओ छोले बनने। अरे जरूरी काम है। कौन सा काम है? पता से बात क्या है? ले जा कहाँ रहा है मेरे को? ये चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इधर आओ। क्यों? मैं ना एटीएम गई थी पैसे निकलवाने। हाँ। सिर्फ 5 लाख है उसमें। What? अरे रब्बा, 15 लाख कहाँ गए? मूली की सब्जी बनी है। हाँ लेके कहाँ जा रहे हैं भाई? क्या भाई साहब आओ। पहले ये बताइए डैडी जी पहले से ज़रा जिद्दी और अड़ियल नहीं हो गए? आप अपने आप को देखो, आप कम अड़ियल हो। भाई साहब पहले मोबाइल चेक करो। मोबाइल चेक करो? हाँ। क्या है मोबाइल में? ये 15 लाख डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। तूने 15 लाख डलवाए मेरे अकाउंट में क्यों? हॉस्पिटल के लिए। हाँ जी। ओ आपको क्या लगा सारा खर्चा आप ही उठाओगे हैं? आप ही बनोगे राजा बेटा? ओ भाई साहब मुझे भी तो कुछ कर लेने दो पिंड के लिए, डैडी जी के लिए। चाहे डैडी ने मेरे लिए सपने नहीं देखे हों, उनकी इच्छा मेरे लिए तो फरमान ही है ना जी। भाई साहब मैं चाहता था मैं ना इससे भी और ज्यादा करूँ, पर मेरे पास टोटली 20 लाख थे। मैं 15 लाख हॉस्पिटल के लिए डाल दिए, 5 लाख रख लिए रिया के लिए। अब बस इसके ज्यादा मेरे पास कुछ है भी नहीं। पकड़ू ही तू ये भी रख, काम आएंगे रिया की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए। ओ नहीं जी ये तो हॉस्पिटल के नाम कर दिए जी मैंने। ओ भाई साहब आप अपने निकम्मे भाई को काम पे लगाने की सोच सकते हो, डैडी जी की हवेली साहूकार से छुड़ा सकते हो, तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता। माना कि मैं आओ जैसी भाई साहब मेरी हैसियत है नहीं, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ मैं। नहीं तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा जी। नहीं सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में।
होली का वीडियो है। ये दोनों इतने पास क्यों खड़े हैं? ये चल क्या रहा है दोनों के बीच में? मृता, वीर सिर्फ मेरी रिया का है और मैं ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी जिससे मेरी रिया की खुशियां छिन जाए। सॉरी अमृता, एज इट इज तुम्हारे पापा ने मेरे राणा की बहुत सारी खुशियां छीन ली हैं। मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगी। फिर सिर्फ रिया का है और मुझे तुम्हारे साथ और तुम्हारे पापा के साथ क्या करना है ना, ये मैंने सोच लिया है। मम्मा, मम्मा, हाँ, कुछ पता चला 15 लाख कहाँ गए? बोलो यार, क्या चल रहा है दिमाग में? जानना चाहती है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ये देख, मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता। तो एक काम करे, तुम और मैं भाग के शादी कर ले। फिर तुम्हारा हो गया? हाँ, मैं बैठना, बैठ जाओ। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऊपर चले? चलो। पीछे ये तिजोरी की चाबियां आप रखिए। मुझे चाबियां संभालने की आदत नहीं है बीजी, अगर कहीं रखे भूल गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज तक बीजी ने मुझे तो कभी अपनी चाबी रखने को नहीं दी और ये मिसेस बरार आई और इसे सीधे चाबी दे दी। क्या हुआ, बता क्या बात करनी है तुझे? क्यों वीर, क्यों मेरे साथ ये ड्रामा कर रहे हो? नहीं प्यार है तो नहीं है, मान लो। ये कली चोटा क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? कभी अवॉइड करते हो, कभी कभी साथ आके खड़े हो जाते हो, कभी गले लगा लेते हो। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ वीर, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हारे कौन से रूप पे विश्वास करूं। देखो, मुझे ये खेल नहीं खेलने आते। मैं बहुत सिंपल और क्लियर हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मतलब करती हूं। और पता नहीं इसमें क्या गलत कर रही हूं मैं तुम्हारे साथ जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। रिया देख, I know मुझे ये आई नो तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, सो जस्ट लीव। जवाब है, तू एक बार मेरी बात सुन तो। ठीक, मैं मानता हूं जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर मैं होश में नहीं था यार। और तू भी जानती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जानबूझ के जिससे तुझे हर्ट हो। पर अभी मैं तुझे इस वक्त यकीन कैसे दिलाऊं इस बात का मुझे नहीं पता। और तेरे पास अगर कोई तरीका है तो तू बता मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है, ये बात याद रखना और भूलना मत फिर, क्योंकि मुझे मुझे जब लगेगा कि ये सही मौका है इस बात को साबित करने का, मैं तुमसे कहूंगी और उस समय तुम मुझे मना मत करना। बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता, तू जो बोलेगी मैं करूंगा, तुझसे किया वादा निभाऊंगा रिया।
कि किस प्रॉब्लम में मैंने खुद को फंसा लिया। आस्था आंटी सही है। रिया के साथ खड़े होने का फैसला लिया है तुमने, तो उसे वो भरोसा दिलाओ। Show her that you will always be there for her. मुझे रिया का साथ देना ही पड़ेगा और मैं दूंगा। चाय जी ने मरने से पहले कहा तीनों एक साथ अस्थियां बहाएंगे तभी उनको मुक्ति मिलेगी। अब देखना ये तीसरी मिसेस बरा अपनी दादी सास की मदद से कैसे उस बेटे को घर से बाहर निकालती है। हम कुछ ज्यादा ही घटिया हरकत नहीं कर रहे। तुझे वीर चाहिए कि वीरता पुरस्कार? तो बता दे मैं आपके वापस करती हूँ। नहीं 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 सॉरी। ठीक है यार करो जो करना है। अब तू जा सो जा। पर मामा मैं यहां से संभाल लूंगी। रात को निमृत क्या कर रही है? उन्होंने तेरे डैडी जी से वादा लिया था तू रहना और तेरे डैडी जी मिलकर उनकी अस्थियां बहाएंगे। निमित ये तो
वो चाय जी की अस्थियों वाला कलश है ना, इसे इस वक्त यहाँ क्यों लेकर आई हो? चाय जी से मदद मांगने आई हूँ। What? ये क्या बोले जा रही हो तुम? आपको नहीं पता, चाय जी की आखिरी इच्छा थी कि आप डैडी जी और राणा मिलके इनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करें। हाँ हाँ, वो बीजी ने बताया था, लेकिन तुम इस वक्त इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं इन अस्थियों को नीचे फेंक दूं, तो आप कल की कल अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाइए। क्या तुम हमें यहाँ से निकालने के लिए ऐसे ऐसे घटियापन पे उतर आओगी? ऐसा सोचा नहीं था मैंने। मैंने भी नहीं सोचा था कि वो गहने, इनके गहने नकली निकलेंगे। राणा का कोई बिजनेस नहीं चलेगा और ये हवेली मुझे खुद आपके नाम करानी पड़ेगी, और मेरी बेटी का प्यार आपकी बेटी छीन लेगी। जब आप अपनी जिंदगी वैसे गुजारते ना जैसे मैं गुजार रही हूँ, हर हाँ को ना में बदलते हुए देखा है, हर उम्मीद को, हर सपने को टूटते हुए देखा है, वक्त और हालात खुद ब खुद पहुंचा देते हैं आपको वहां पर। What rubbish! बुरे से बुरे हालात में भी ना इंसान। भाषण नहीं चाहिए आपका मुझे, स्पेशली आपका जो मेरी बदकिस्मती का कारण है, बिल्कुल भी नहीं। आज जब तक पैसों और हवेली तक थी ना, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज बात रिश्तों की है, मेरी बेटी के प्यार की है, मेरी और राणा की शादी की है, और वो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी। भाई साहब, आपके यहाँ रहने से कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। और अगर आप यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं इन हस्तियों को हवा में उड़ा दूंगी। तो कल सुबह आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाइए। अगर आप यहाँ से चले गए ना, तो चाय जी भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं तो मैं इन अस्थियों को ना नाली में फेंक दूंगी, नहीं तो हवा में उड़ा दूंगी। अब मेरे साथ कुछ भी होगा ना, वो मैं देख लूंगी। हाय रब्बा, लस्सी रड़की थी, भूल गई। कितनी बदबू आ रही है। आस्था पुत्र। जी बीजी। लस्सी बनाई थी, मैं भूल गई, देख कितनी बदबू आ रही है। हाँ बीजी, ये तो खराब हो गई है, इसे फिकवा देते हैं। हाँ ठीक कह रही। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू माय इंडिया ब्लॉग। आदि आदि इधर। आई मेक यू मीट माय रॉक स्टार हियर। वेलकम करेंगे। अरे बीजी, ये तो कोई पूछने वाली बात है, यू माय रॉक स्टार, आपका फैन हूं, कहिए क्या करना है। चल इन्हों ना, गेट के बाहर वाली नाली है ना, उसमें सुट के आ जा। नाली? ओके ओके, आई डू इट, आई डू इट। What? अरे कल गलती से निम्रत आंटी के रूम में मैंने अपना बैग रख दिया। What a mess! इसे कौन करता है यार, किसी के सामान के साथ? Oh God! My tab! Yeah. Oh, अरे बीजी वेट कर रही होगी, मैं जल्दी से ना उस लस्सी को नाली में बहा के आता हूँ। डैडी जी, चाय पी लो जी, गर्मा गर्म है जी, जल्दी पी लो ना, ठंडी हो जाएगी तो मजा नहीं आना जी। तो डैडी जी, वो बच्चे की बात का बुरा मत मानना जी, दिल पे मत लेना, उम्र ही ऐसी है जी, खून गर्म होता है इसमें, प्लीज। सुन। हाँ जी। बैठ। हाँ जी। बैठ। बट प्लीज आप बिल्कुल बुरा ना मानना डैडी जी। ले, ले,
गिर गया जी आंख में। डैडी जी मैंने ना लेबर डबल करा दिए ताकि काम ना जल्दी जल्दी हो जाए, थोड़े से पैसे कम पड़ रही पर उसका जुगाड़ मैं कर लूंगा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। नक्शा भी वही है जी जो आपने पास करा था, सारा बिल्कुल वहीकल वही है, बस थोड़े से दो चार चेंजेस हैं आज के जरूरत के हिसाब से। आप कहो तो मैं दिखा दूं जी। तू तो बड़ी तैयारी करके बैठा है। हाँ जी तैयारी तो करनी है जी, काम जल्दी जो खत्म करना। वैसे डैडी जी इस बार ना मैं काम का सारा क्रेडिट खुद नहीं लूंगा जी, मान भाई साहब ने बड़ी हेल्प की है मेरी, आप ना मना मत करना उनकी मदद के लिए, वो मदद कर रहे हैं जी। मुझे बात समझने की कोशिश करना जी, वो डॉक्टर है अस्पताल के बारे में उनको सब कुछ पता है, जो जो बात हमारे को दो तीन महीने में समझ में आनी है वो उन्होंने दो दिन में समझ के ठीक कर देनी है। मैं तो कहता हूँ डैडी जी हाथ मिला लो जी मान भाई साहब से, अपने कोल घर में डॉक्टर है, हॉस्पिटल का काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ओए जिस बंदे के साथ मैं दो कड़ी की छत के नीचे नहीं रह सकता उसके साथ अस्पताल घूमूं, पागल हो गया तू? आओ यार किसी चाबी वाले को बुलाओ, मैं नहीं रुक सकता इस घर में। और आओ डैडी जी एक बार आप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनोला गेट के बाहर वाली नाली है ना उसमें सोट के आ जा। इनोला गेट के बाहर वाली नाली है ना उसमें सोट के आ जा। What's wrong with you, आदि? ये क्या करने जा रहे थे तुम? Do you even know कि स्पॉट में है क्या? अंकल, I swear मुझे नहीं पता था। वो तो बस बीजी ने मुझे दिया वो कलश और बोला बहा दो। That's it। हाँ सर दाजी, मैंने खुद उसको लस्सी वाला कलश दिया था। फिर वो बदल कैसे गया? मैंने नहीं पता। रात भी सो, मैंने नहीं पता। इसको तो मैं बताता हूँ, वो तेरी हिम्मत कैसी हुई हो अमरीकी मेरी चायजी की अस्थियों को हाथ लगाने की? हड्डियां पंतेड़ियां बतेरियां। बाबूजी बाबूजी प्लीज प्लीज, आदि कह रहा है ना कि उसे पता ही नहीं था कि उसमें क्या है। वो बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रहा है, सब पता उसको। उसको नहीं तो उनको जो उसके साथ मिले हुए हैं। बेशर्मी की भी हद होती है लोगों की। हवेली तो खरीद ली पर शर्म हया तमीज संस्कार सब बेच के। नहीं भाऊजी, भाऊजी जरूर कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ है, कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा है पर हुआ है। राजबा प्लीज मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। हरी प्लीज कम चला दी आज। What the hell were you doing, Addy?
दर्द होती है यार। अमृता काम डाउन, सबसे पहले तुम रिलैक्स करो एंड ट्रस्ट योर फ्रेंड कि वो ऐसा जान पूछ के कुछ नहीं करेगा। और आदि ब्रो तू स्ट्रेस मत ले, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो हम ठीक नहीं कर सकते। तू अच्छे से सोच कि वो कलश लेके तू एक्चुअली गया कहाँ कहाँ था। मैं कहीं नहीं गया था मिस्टर करेक्टर, वही तो मैं कह रहा हूँ। You know what? Let me correct myself. मैंने निम्न तांडी के रूम में गया था। मैं बस वहां से अपना बैग बाहर रखने गया था। That's it. आप? क्या हुआ? आप अब तक सोई? दरअसल जमीन पे सोने की आदत नहीं है ना, तो थोड़ा अब तुम सो जाओ। ये बताओ कि चल क्या रहा है, ये सब है क्या हो रहा है? तू क्या कह रही थी पुत्र, इसने हाथ उठाया तेरे पे? अगर और कोई कमी रह गई हो ना तो अपने बेटे से कह दीजिए कर ले वो पूरा। हाथ उठाया इन्होंने मुझ पर आज। ओए डैडी जी मैंने कुछ नहीं किया जी, और ये बातों का तरोड़ मरोड़ के पेश कर रही है जी। और तू वो क्यों नहीं बताती जो तूने किया है? वो नहीं बताएगी है? वो बता ना। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी, सब सच बताऊंगी। तो बता ना फिर। शाही जी की अस्थियों का कलश तिजोरी से मैंने निकाला था। देखा जी तेरे को चाबी कहां से मिल गई? पीछे से। बीजी के तकिए के नीचे थी, वहां से चुराई मैंने। तूने कलश क्यों निकाला? तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी? मान भाई साहब को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। आपके यहां रहने से कोई खुश नहीं है, कोई सुखी नहीं है, इसलिए आप यहां से चले जाइए। और अगर आप यहां से नहीं गए ना तो मैं इन अस्थियों को हवा में उड़ाऊंगा। तो कल सुबह आप अपनी फैमिली को लेकर यहां से चले जाइए। मुझे पता है डैडी जी आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आना भी चाहिए, लेकिन एक बार आप मेरी बात सुनिए। राधा ने हमारे मकान के सारे पैसे उस अस्पताल के लिए दे दिए, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया तक नहीं। हवेली वाली बात से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। किसी ने उन्हें डांटा, उन्हें समझाया कि राना ये गलत है, मेरी सारी गलती गुनाह है और आपके बेटों के सारे गुनाह माफ। पीछे हो जाओ सारे। मेरे इस घर के किसी आदमी ने आज तक किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। ये मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है, बेटियों को अक उठाकर देखने वाले को क्या सजा मिलती है ये मैं तुझे आज बताऊंगा। तेरी हिम्मत कैसी हो गई हो राणे? कैसे होगी तेरी हिम्मत आने गोली पे हाथ उठाने की? बाकी मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सरदार जी, जवान पुत्र पे हाथ नहीं उठाना। पास से हट जा संजोत। नहीं तुझे मारोगे। पास से हट जा संजोत। बीजी बीजी एक मिनट। नहीं नहीं। मैंने गाल कर दो। मैंने गाल कर दो। बहू पे हाथ उठाएगा तू? बेटी पे हाथ चुकेगा? बेशर्म। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। एक
और उठाएगा तू। नलायक। मैंने कुछ नहीं किया डैडी जी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं डैडी जी, बस संजोत करे, कह दे इस अमरीकी को हट जाए यहाँ से, बीच में से, नहीं तो मेरा हाथ नहीं रुकना। नहीं। जो बीच में आएगा मोर खाएगा। नहीं सरदार जी, नहीं। जी बस कर दो, कर्मा प्लीज बस कीजिए। जो आदमी औरतों पे हाथ उठाता है वो आदमी नहीं होता है। दादी जी प्लीज, दादी जी जी रुक जाइए। और मेरे कागज किसी ने आज तक औरतों पे हाथ नहीं उठाया। दादी दादी डरती हो ना यार, प्लीज। और तू कहां से सीख के आया हो? और मत मारिए, मैं इन्हें मार खाता हूँ, नहीं देख सकती। जब आप प्यार करते हो मत मारिए, मत मारिए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या बात चल रही थी वीर और अमृता के बारे में? है कोई जवाब किसी के पास? है? क्या चल रहा है वीर और अमृता के बीच में? बोलो निमृत। डैडी जी, सबको पता है कि आपने रिया और वीर का रिश्ता पक्का किया है, लेकिन ये अमृता रिया के वीर पर ना डोरे डाल रही है। निमृत, टेप, ये क्या बोल रहे हो आप? तो क्या गलत कह रही हूं मैं? तो तुम बता दो, बताओ कि ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है या फिर तुम भी इसको प्यार करते हो? बताओ सच अपने बाबूजी को। और ये लड़की अमृता, तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, आज क्यों चुप है? बोलो ना सच सबके सामने, बताओ सबको सच, बोलो, कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूं या फिर ये सच है कि तुम और वीर एक दूसरे से प्यार करते हो। बोलो ना, मैं तो खुद रिया की और वीर की एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। देखिए हमसे हम सच तो बोलो। अगर नहीं है तो वीर का पीछा छोड़ो। देखा देखा डैडी जी, सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। वाह, ये तो कमाल बात है ना। जिस घर ने इसको बेसहारा समझकर जगह दी, जहां इसको अजनबी समझकर इतना प्यार दिया, उस घर की खुशियां लूटने पे आ गई है ये लड़की। ऊपर ऊपर से बहन 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 कहती है, लेकिन अंदर से मेरी रिया की ना जिंदगी बर्बाद करने पे तुली भी है।
शर्म नहीं आती तुझको अपनी छोटी बहन के मंगेतर पर डोरे डालते हुए? वीर तू मेरे साथ बाहर आ। सच कह रहा हूँ बाबूजी, मैं रिया से ही शादी करूंगा। मैं नहीं मानता। पर क्यों? कैसे मानूं? जैसे मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आप जो भी कहते हो। क्या हुआ बाबूजी, आप इसे स्माइल क्यों कर रहे हो? पकड़ा जो गया तू। कैसे? वो मैंने कहा मैं आपकी हर बात मानता हूँ, वो नहीं, तेरे हाथ पे लाल निशान है वो। ये देख, देख ना। ओए पुत्र, तुझे पता नहीं है बचपन से ही ना, जब भी तू कोई बात मुझसे छुपाता है या मुझसे झूठ बोलता है तो अपने नखून से अपनी हथेली को ना खुरखता रहता है। देख, पड़ गया ना लाल निशान। देख ओए पुत्र, तेरी रगों में मेरा खून नहीं है लेकिन खूबियां तो सारी हैं। मैंने तुझे पैदा नहीं किया पर मैंने तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया। तेरा एक एक शब्द और उन शब्दों पर दिया जाने वाला वजन सब समझता हूं मैं, सब। और पुत्र, तूने अभी ये जो जवाब दिया ना, वो जवाब वो पाशा उस आदमी की थी जो किसी के एहसानों तले दबा हो, मजबूर हो, खुल के बोल नहीं पा रहा होता है। मुझे ऐसे आदमी का जवाब नहीं चाहिए, मुझे ऐसे आदमी का जवाब चाहिए जो सच्चा हो, दबंग हो, अपने बाऊ जी का शेर पुत्र। अच्छा चल छड़, ये सब छड़, तू मुझे एक बात बता पुत्र, अगर कभी रिया और अमृता दोनों किसी मुसीबत में फंस जाएं तो पहले किसको बचाएगा तू? रिया कोई बाऊ जी, ऑफकोर्स रिया कोई बचाऊंगा ना। बहुत जल्दी जवाब दे दिया पुत्र तुमने, सोच के भी जवाब दे सकता था। अभी भी सोच ले। क्या हुआ, रुक क्यों गई? डर मत, हम तेरे डैड है तेरे साथ में, मैं बताऊंगा सबको कि सच क्या है। तू सिर्फ एक बार अपने मुंह से कह दे कि तू वीर से प्यार करती है। कम विद मी, कम ऑन।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.